ध्यान रखे। आप लोग अपने इस भीड़ के अंदर ध्यान रखे। माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का हम हार्दिक अभिवादन करते हैं। मनीष मामा मित्र मंडल की ओर से विधायक आकाश विजय। जब तस्वीर देख के भारतीय जनता पार्टी को आम कार्यकर्ता जीखो संगठन के लिहाज से देव तुल्य कार्यकर्ता की संज्ञा दी जात है, वो आज शायद अपने आंसू नहीं रोक पे। काय के विरोधी भी ई बात को लोहा मानत के भारतीय जनता पार्टी को संगठन और उनके कार्यकर्ता की प्रतिबद्धता शायद राजनीति में सबसे ज़्यादा है। लेकिन जो बदलती राजनीति को दौर है जनाब, जिते सेवा और संगठन से ऊपर सत्ता की बात है और जिन लोगों के सहयोग से सत्ता मिली है सो उनको ऊपर बिठाओ जा रहा है और आम कार्यकर्ता की हालत का है जा इस तस्वीर से आपको समझ में आ जाए। काहे के जा तस्वीर है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बेहद वरिष्ठ नेता गोविंद मालू की। वे गोविंद मालू जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कई चुनावी यात्राओं के सह प्रभारी रहे हैं और इंदौर संभाग में तो विशेष तौर पे चुनावी यात्राओं के लाने विशेषज्ञ माने जाते हैं गोविंद मालू। मध्य प्रदेश की सरकार ने उनको मंत्री को दर्जा भी दो तो एक कार्यकाल में, लेकिन जय गोविंद मालू केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सभा के मंच से न केवल नेचे उतारे गए बल्कि धकियाए गए। एक बेर नहीं, दो बेर नहीं, क्यों बेर, जरा आप देखो जो वीडियो और राजनीति के उस स्तर की कल्पना करो जिस स्तर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में सिंधिया गुट के सक्रिय होने के बाद दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का हम हार्दिक अभिवादन करते हैं। मनीष मामा मित्र मंडल की ओर से विधायक आकाश विजय। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा इंदौर में हती और उतई के मंच से नेचे उतार के धकियाए गए हैं गोविंद मालू। और गोविंद मालू इंदौर के लाने कोनू अपरिचित नाम नहीं आ, इंदौर मालवा समेत मध्य प्रदेश की राजनीति में जाने पहचाने चेहरा हैं। इके बाद उनके संगे ई तरीके की बदतमीजी पुलिस के द्वारा करी गई जो आप देखो। और ई के संगे एक और वीडियो हम आपको दिखा रहे जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी पत्रकार वार्ता में झड़क दो आकाश विजयवर्गीय को जो कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र हैं। वे कैलाश विजयवर्गीय जो राष्ट्रीय महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के और इंदौर मालवा समेत मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता हैं। और 55 लाख हमने वापस भारत लाया। तो अब इन तस्वीरों के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं को अच्छो लगे बुरा लगे जो उनकी सोच है, लेकिन कम से कम सियासत के लाने तो ये तस्वीरें दुखद हैं। अब जो तस्वीरों पे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के लोग का प्रतिक्रियाएं करें जो अलग विषय है, लेकिन ये पूरे के पूरे मुद्दे पे सियासत आज नहीं तो कल दिखाई जरूर दे। एक सुनहरा भविष्य आपकी राह देख रहा है। एकलव यूनिवर्सिटी में चुनिए अपने मनपसंद करियर कोर्स जैसे इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, नर्सिंग, फॉरेंसिक साइंस, जर्नलिज्म, PhD आदि में प्रवेश लें और अपने सपनों को नए पंख दें। एकलव्य यूनिवर्सिटी सागर रोड।